पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैंने ऐसे मालिक बहुत देखे हैं। अरे कमबख्तो, दलीलो, मेरे घर को तुमने क्या कुरुक्षेत्र का मैदान बना रखा है? मेरे घर से निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। ये दास्तां है एक बड़े ही जबरदस्त एक्टर की, जिन्होंने बहुत सी अलग अलग फिल्मों में बहुत जबरदस्त काम किया। इनका नाम अनवर हुसैन। अरे भाई साहब, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। मैं कल सुबह आपके भाई साहब से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ और मेरी वापसी पर आपको पता चलेगा कि इंसान हर मुश्किल को बड़ी सुलह सफाई से आसान बना सकता है। ऐसा बताया जाता है कि इनका जन्म 2 जनवरी 1928 कलकत्ते शहर में हुआ था, लेकिन एक और तारीख इनकी जन्म की तारीख बताई जाती है और कहा जाता है कि 20 मार्च 1920 में ये बनारस में जन्मे थे। कसम अंग्रेज की, आप पक्के हिंदुस्तानी? इनकी वालदा रही जद्दन बाई और इनके पिता उस्ताद इरशाद मीर खान। कौन है बे? डैडी सोए हुए थे? जी नहीं डैडी, जाग रहा हूँ। इनकी वालदा की तीसरी शादी से जो लड़की हुई, जिसका नाम नरगिस रखा गया, वो इनकी बहन लगती हैं। अनवर हुसैन साहब ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा रहा या फिर कलर सिनेमा। जो आप आज तक नहीं कर सके, न मरेगी भैंस न टूटेगी लाठी, कहिए आपको मंजूर है? इनके एक और भाई रहे जिनका नाम रहा अख्तर हुसैन। ये संजय दत्त के मामा और सुनील दत्त के साले साहब लगते हैं। हाँ ठीक है, करेक्ट है। हाँ, विनोद, विनोद यही है। इनकी एक भतीजी जाहिदा हुसैन भी फिल्मों में काम करती थी। इनकी पढ़ाई लिखाई कलकत्ते शहर में ही हुई, जहाँ पर इन्होंने मैट्रिक पास की। पढ़ाई पर कुछ नहीं तो मैंने 50,000 रुपए खर्च किए होंगे। लेकिन कुछ ऐसे वजूहत हुए कि इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, लिहाजा ये अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सके। बताऊं क्या बात है? ये छोटे मोटे किरदार निभाते उन फिल्मों में जो फिल्में इनके वालदेन बनाया करते थे। तो मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि वो भी आपको यही मशवरा देते, आप इस नुस्खे पर जरूर अमल कीजिए भाई साहब, वरना ये दुनिया दुनिया है, जहाँ बाप बेटे में नहीं बनती तो बेचारे भाई किस बाप की मूली है। ये कमीशन एजेंट और जनरल सप्लायर की तरह काम करने लगे थे भोपाल रियासत में 1939 में। मामूली सी फॉर्मेलिटी है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। उसके बाद ये मुंबई की तरफ चले आए। इन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सीखी और जब मौका मिला ये मुंबई के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में बतौर रेडियो आर्टिस्ट काम करने लगे। वहाँ पर इन्होंने तकरीबन 3 बरस काम किया। मेहरबानी अंग्रेज की, बंदा किस काबिल है। मंगला, मैंने सोचा है कि इस फर्म के कारोबार को इससे भी बढ़कर चार चांद लगा। लेकिन इनकी जिंदगी में सही मायनों में सटीक ब्रेक तब आया जब अपने जमाने के मशहूर मारूफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर AR करदार ने इनके हुनर को पहचाना, वो भी एक पार्टी में। बस भाई साहब, आपने नुक्ता पकड़ लिया। और इस तरह से AR करदार की फिल्म संजोग में इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त किरदार निभाया। मार पीट से बात बिगड़ सकती है, मैं उसे प्यार से, दुलार से दवा पिलाकर उसकी समझदारी और होशियारी को धीरे धीरे खत्म कर रहा हूँ और एक दिन उसे पूरी तरह से अपनी बस में करके डायरी का राज निकलवा लूंगा। उसके बाद पहले आप और धीरे धीरे अलग अलग फिल्मों में ये नजर आने लगे। फिर तो हम लोग, आवाज, बारिश, फुटपाथ, कैप्टन किशोर और फिर तो इन्होंने पलट के नहीं देखा। हाँ बहुत ख्याल रखते हैं, मामा जी तो प्यार और परोपकार के छिपे हुए अवतार हैं। हरि ओम, हरि ओम। अरे बेटा, परोपकार तो परायों पे किया जाता है, अपनों की तो रक्षा की जाती है। इनका एक बड़ा लंबा करियर रहा और भारतीय सिनेमा के बदलते वक्त का ये साक्षी रहे। वाह जी वाह, बनने आए थे मेहमान हम सेठ गोपीनाथ के, बन गए सरकारी मेहमान। क्या तकदीर लेकर आए, बोलिए आप। इनके 4 बेटे हुए और 1 बेटी और 2 जनवरी 1988 में इनका इंतकाल हो गया। यकीनन ऐसे बहुत से अभिनेता हैं जिन्होंने बहुत गहरी छाप छोड़ी है, जिनमें से अनवर हुसैन का नाम पहले सफे पर आता है। बहुत खूब, बहुत खूब। यार एक बात तो बताओ, हमारे फर्म का बैंक बैलेंस क्या है? महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।